नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। वर्षा के कारण विभिन्न स्थान डुबान में, रवि दिन धरि वर्षा के संभावना। छोट दूरी के सार्वजनिक सवारी साधन चला देवाक मंत्री परिषदक निर्णय। भारतीय मीडिया प्रवृत्ति पर कानूनी उपचार खोजबाक तैयारी। बृहस्पति दिन देश भर में और 108 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश दो में 7 गोटे नया संक्रमित। जनता समाजवादी पार्टी के औपचारिक रूप में निर्वाचन आयोग से दलक मान्यता भेटल। आ सरिता गिरी सांसद पद से मुक्त। पार्टी के सिफारिश में संसद सचिवालय से पद मुक्त कैल गेल। आब समाचार विस्तार में। बुधक रात भेल अविरल वर्षा के कारण विभिन्न स्थान डुबान में पड़ल है। मधेशक विभिन्न स्थान संगे जनकपुर धाम उप महानगरपालिका से जलमग्न भेल है। वर्षा नगर के विभिन्न सड़क तथा घर सब डुबान में पड़ने है। घर घर में पानी पसला के कारण जनजीवन कष्टकर भेल है। किस स्थान में सड़क में आवाजाही में समेत समस्या भ रहा है। पानिक निकास नहीं भेला के कारण मुख्यमंत्री कार्यालय, विमानस्थल, अंचल अस्पताल सहित कार्यालय डुबान में पड़ल है। अविरल वर्षा संगे नेपाल में विभिन्न स्थान में बाढ़ आ भूस्खलन के जोखिम समेत बढ़ल है। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अनुसार रवि दिन धरि कनकाई, कोसी, कमला, बागमती आ नारायणी नदी तथा ओकर सहायक नदी में पानी के बहाव बढ़वाक खतरा रहल अछि। बृहस्पति दिन से रवि दिन धरि प्रदेश नंबर एक, प्रदेश नंबर दो, बागमती प्रदेश आ गंडकी प्रदेश में एहि बरस के सबसे बेसी पानी पड़वाक अनुमान कैल गेल अछि। लॉकडाउनक कारण चैत 11 गते से बंद रहल सार्वजनिक सवारी आवश्यक सुरक्षा मापदंड अपना के संचालन में आब लागल है। कोरोना संक्रमण के जोखिम न्यूनीकरण के लिए जारी भेल लॉकडाउन के कारण बंद रहल सार्वजनिक सवारी संचालन कर देवाक निर्णय सरकार कलक है। कुल क्षमता के 50% यात्रु राखि के छोट दूरी के सवारी संचालन हेबाक सरकारक प्रवक्ता डॉक्टर युवराज खतिवड़ा जानकारी दिलन है। उपत्यका के हक में काठमांडू, ललितपुर आ भक्तपुर तथा और जिला के हक में जिला भीतर मात्र संचालन करते सार्वजनिक सवारी संचालन होवे लागल है। प्रवक्ता खतिवड़ा एक पंक्ति के एक सीट में एक गोटे राखि के कुल क्षमता के 50% मात्र यात्रु राख पाल जात। सवारी चालक आ सहचालक के मास्क आ सैनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग कर पड़त। सार्वजनिक यातायात ई मापदंड लागू होवे धरि प्रचलित भाड़ा दर में 50% अधिक भाड़ा लेब पाओत। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने ट्याक्सी चालक बाहेक बढीमा दुईजनासम्म र परिवारभित्रको भए 5 वर्ष मुनिको बालबालिका समेत सवार हुने गरी त्यो ट्याक्सी पनि चल्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी अर्को निर्णय चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सबै जिल्लामा र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात चालक सहित सिट क्षमताको बढीमा 50% यात्रु रहने गरी एक पङ्क्तिको एक सिटमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी एकजना मात्रै राख्ने, सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, सवारी साधनमा यात्रु चढ्ने समयमा सवारी साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, चालक तथा सहचालकले समेत अनिवार्य रूपमा मास्क, भाइजर र पन्जा लगाउने र सवारी साधनलाई दैनिक निसंक्रमित गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो। सम्मका लागि मात्र यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि ट्याक्सी बाहेकको अन्य सवारी साधनको हकमा तोकिएको भाडा दरको 50% थप भाडा लिन पाउने पनि निर्णय गरिएको छ। ट्याक्सी सेवा सेहो सञ्चालनमा आयल अछि। अहिसँ पहिने चालक बाहेक दू गोटे मात्र रह पेबाक नियम बनाओल गेल छल। आब दू गोटे से बाहेक एके परिवार के 5 वर्ष नीचा के और सदस्य सब समेत टैक्सी में राखल जा सकैए। भाड़ा दर पुराने कायम कैल गेल अछि। भारतीय संचार माध्यमे प्रधानमंत्री आ नेपाल के जोड़ि कऽ आयल विषय वस्तु प्रति सरकारक ध्यानाकर्षण भेल अछि। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय स्वाधीनता आ राष्ट्रीय हित में आँच आनैत कोनो भी सामग्री प्रकाशन आ प्रसारण नहीं कर आग्रह करैत प्रवक्ता खतिवड़ा भारतीय मीडिया सब में देखल गेल पिछला प्रवृत्ति के लेल राजनीतिक आ कानूनी उपचार खोजबाक बतौलन अछि।
हामीले कुनै दुर्भाव फैलाउने गरी चरित्र हत्या गर्ने गरी मान मर्यादा लाई नै आँच पुर्याउने गरी प्रतिष्ठा घटाउने गरी गरिएका सञ्चार माध्यमका समाचारहरू विश्लेषणहरूको सरकारले भर्सना गर्छ। सरकारले मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा मिडिया आफू अनुशासनमा बसोस् र उसले चाहिँ स्वस्थ समाचारहरू सही समाचार मात्रै सम्प्रेषण गरोस् भन्ने हुन्छ। यो कुरामा हामीले कूटनीतिक माध्यमको पनि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ र अस्वस्थ र हाम्रो राष्ट्र राष्ट्रियता हाम्रो सार्वभौमिकता र नेपालीहरूको स्वाभिमानलाई आँच पुर्याउने किसिमका समाचारहरू सम्प्रेषण नगर्न हामी अनुरोध पनि गर्छौँ सबै मिडियाहरूलाई, त्यो मानेमा अरू छिमेकी मुलुकका मिडियाहरू पनि पर्छन्। यसको पछाडि अब हामीले कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्। व्यापारिक मार्ग विस्तारक लेल आवला 450 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 54 अरब ऋण सहायता स्वीकार करबाक निर्णय समेत सरकार कयने अछि। बृहस्पति दिन नेपालमे 108 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बृहस्पति दिन धरि नेपालमे कोरोना संक्रमित के संख्या 16531 पहुँचल अछि। बृहस्पति दिन डिस्चार्ज होवलामे 139 रहल अछि। संख्या 108 छ र आजसम्मको जम्मा 16531 छ। प्रयोगशाला विराटनगरमा सुनसरीका एकजना र झापाका एकजना, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सप्तरीका 2 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 2 जना र सिराहाका 4 जना हुनुहुन्छ। यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा दार्चुलाका 1 जना, डोटीका 2 जना, काठमाडौँका 1 जना, नुवाकोटका 1 जना र सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। बृहस्पति दिन पिसिआर विधिसँग 4588 गोटेको कोरोना परीक्षण भएको छ। यी समेतका अखन धरि 271145 गोटे पिसिआर विधिसँग कोरोना परीक्षण करौने अछि। अखन देशभरिके आइसोलेसनमे 8605 गोटे रहल अछि। देशभरिके क्वारेन्टाइनमे 24425 गोटे रहल अछि। एम्हर प्रदेश दूमे आओर 7 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय बृहस्पति दिन देने जानकारी अनुसार सिरहामे 5 आ धनुषामे 2 गोटे रहल अछि। एहि सङ्गे प्रदेश दूमे संक्रमितके संख्या 3768 पहुँचल अछि। बृहस्पति दिन 5 महिला आ 36 पुरुषक 41 गोटे कोरोनासँ मुक्त भऽ कऽ आइसोलेशनसँ डिस्चार्ज भेल अछि। प्रदेश दूमे अखन आइसोलेशनमे 535 गोटे रहल अछि। तहिना क्वारेन्टाइनमे 2718 गोटे, होम क्वारेन्टाइनमे 19095 गोटे रहल अछि। अखन धरि प्रदेश दूमे 47008 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे 1992 टा के नतीजा आब बाँकी रहल अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल औपचारिक रूप में राजनीतिक दलक मान्यता पौलक अछि। जसवा निर्वाचन आयोग में दर्ता भेला संगे नया दल बनल अछि। आयोग के बैठक जसवा दर्ता करबाक निर्णय भेल। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ जानकारी देलनि अछि। जसपा के दल दर्ता के प्रमाण पत्र लेब शुक्र दिन बजाओल गेल अछि। बीतल बैसाख 10 गते समाजवादी पार्टी आ राष्ट्रीय जनता पार्टी बीच एकीकरण भक जसपा गठन करबाक सहमति भेल छल। एकीकरण घोषणा भेल जसपा दल दर्ता के लेल जेठ 25 गते आयोग में आवश्यक कागजात बुझौने छल। आयोग में अखन 132 टा राजनीतिक दल दर्ता भेल अछि। 2 पार्टी राजपा आ समाजवादी पार्टी एकीकरण भेला बाद आब आयोग में दर्ता भेल दल के संख्या 131 भेल अछि। जसपा के सहमति अनुसार पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष में महंत ठाकुर आ उपेंद्र यादव रहल अछि। पार्टी के वरिष्ठ नेतात्रय में अशोक कुमार राय, डॉक्टर बाबूराम भट्टराय आ राजेंद्र महतो रहल अछि। तत्कालक लेल 30 सदस्य कार्यकारिणी सदस्य घोषणा कयल गेल अछि। समाजवादी पार्टी के सांसद सरिता गिरी सांसद पद से मुक्त भेल अछि। समाजवादी पार्टी गिरी के निष्कासन कयने सूचना सहित हुनका सांसद सँ पदमुक्त करय बुधदिन सचिवालय में पत्र भेजने छल। राजनीतिक दल संबंधी ऐन बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा कयल गेल देखल गेला सँ संविधान बमोजिम हुनका पद रिक्त भेल सचिवालय जानकारी देलक अछि।
संविधान संशोधन प्रस्ताव में मतदान करैत काल पार्टी के व्हिप उल्लंघन केने आरोप में समाजवादी पार्टी गिरी के निष्कासन केने सूचना सहित हुनका सांसद से मुक्त कर पत्र भेजने छल। गिरी के पद रिक्त भेला संगे हुनक स्थान में आब लीला सिटौला सांसद बनत। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा दर्जियानी चिन्ह लगौलन अछि। गृह मंत्रालय में बृहस्पति दिन भेल कार्यक्रम में गृह सचिव महेश्वर नेपाल थापा के दर्जियानी चिन्ह प्रदान कयलन अछि। थापा मंगल दिन नेपाल प्रहरी के 28वां प्रहरी महानिरीक्षक में नियुक्त भेल छलथि। सरकार वरिष्ठता के आधार में थापा के आईजीपी में बढ़ुआ करबाक निर्णय कयने छल। आईजीपी ठाकुर प्रसाद गेवाली 30 वर्षक सेवा हद के कारण बुध दिन से अनिवार्य अवकाश में जाय लगला बाद सरकार थापा के वरिष्ठता के आधार में प्रहरी महानिरीक्षक में बढ़वा करवाक निर्णय कयने छल। थापा प्रहरी प्रशासन के नीति निर्माण तह में अव्वल मानल जाय छै। थापा संग विभिन्न जिला के प्रहरी प्रमुख भका काज केने अनुभव अछि। तहिना महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी तथा केंद्रीय प्रहरी प्रवक्ता के जिम्मेवारी समेत ओ सम्हारि चुकल छथि। थापा राष्ट्रीय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंज आ प्रहरी महानिरीक्षक के सचिवालय में समेत काज कह चुकल अछि। 2049 साल बैसाख 19 गते प्रहरी निरीक्षक से सेवा प्रवेश केने थापा। 2079 बैसाख 18 गते धरि प्रहरी के नेतृत्व सम्हारत। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीय प्रहरी संगठन के आधुनिक प्रविधि आ आधुनिकता में आगा बढ़ेबाक प्रयत्न करबाक बतौल रही है। बृहस्पति दिन गृह मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में दर्जियानी चिन्ह ग्रहण केला बाद थापा संविधान ऐना नियम से देने सीमा भीतर रहकर काज करबाक बतौलन अछि। संपूर्ण प्रहरी संगठन के साथ में लक अपन क्षमता अनुसार निस्वार्थ रूप में काज करबाक हुनक कथन अछि। अविचलित भई खटिनका निम्ति मलाई स्पेयर समय प्रदान गरिदिनु हुने मेरा प्रेरणादायी माता पिता र परिवारजन प्रति पनि म आदर भाव प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई यो जिम्मेवारीको निम्ति उपयुक्त बन्न सहयोग सल्लाह निर्देशन हौसलाका साथ प्रदान गर्नुहुने समादरणीय प्रहरीका सकल अग्रज प्रहरीजनहरूप्रति पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी पत्रकार मित्रहरू, नागरिक समाज, प्रहरी सङ्गठनका आम सदस्यहरू तथा सबै शुभेच्छुकजनहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। थापा संगठन भीतर अपन सहकर्मी सबके व्यावसायिक रूप में निषेध करबाक कुसंस्कार के अखन अंत्य भेल बतौलन अछि। बीतल समय में महानिरीक्षक के प्रतिस्पर्धा होइत आयल में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के संकेत करैत ओ अपना आ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हरि बहादुर पाल ओहि के तोड़ने बतौलन अछि। पाल आ अपना बीच आईजीपी भेलो पर सलाह आ सहयोग में आगा बढ़वाक भद्र सहमति भेल। खुलासा करे थापा संगठन के हित के लेल अपन कार्यकाल से पहिनका कुसंस्कृति तोड़ल गेल बतौलन। हामी कहिले कहीं कानून पढ़े को 4 वर्ष भएका मानिसहरूलाई कानून को विज्ञ को रूप में आफ्नो कार्यालय में नियुक्त गर्छौं, तर आफ्नै साथी जो 28 वर्ष प्रहरी पेशा में छ उसलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धा को अवस्था में देखिएका राइवलरी का कारण व्यावसायिक रूप में निषेध करने कुसंस्कार संगठन में थियो, त्यसलाई हामीले पहिलो चरण में तोडेका छौं भन्ने कुरो गर्छु। मैले कुनै ठूलो कुरो गरे भन्दिन, यस्तै साना र सामान्य लाग्ने कुराहरू गर्दै गयो भने यसले विराट रूप लिन्छ र यसले संगठन को श्रीवृद्धि र अभिवृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्छ भन्ने मेरो अभिप्राय मात्र हो। म श्रीमान सचिवज्यूबाट अघि निर्देशनको क्रममा व्यक्त भएका सबै निर्देशनहरू नेपाल प्रहरी को श्रीवृद्धि र यस वृद्धि को निम्ति आवश्यक छन् र त्यसलाई हामी ग्रहण गर्छौं र त्यो मार्गदर्शनलाई अक्षरशः पालना गर्छौं भन्ने पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सचिव महेश्वर नेपाने नवनियुक्त आईजीपी थापा आ पालक प्रतिस्पर्धा सँ संगठन के मूल्य मान्यता के प्रवर्धन के लेल बहुत सहयोग केने बतौलन अछि। अगला दिन में सेहो नेतृत्व के सफल बनाब सबके सहयोग हेबाक अपेक्षा समेत रहल ओ बतौलन अछि। श्री वृद्धि दुवै जना प्रतिस्पर्धी को जुन संगठन को नाम मूल्य मान्यता को चाहिँ प्रवर्धन गर्नमा जुन किसिमको गम्भीरता देखियो म त्यसलाई म हार्दिक प्रशंसा गर्न चाहन्छु। अब आगामी दिन में
सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरू तर्फबाट चाहिँ नेतृत्वलाई सफल बनाउने कुरा हो, किनभने यो एकल त होइन, यो समूहगत कार्य हो, यो सिङ्गो सङ्गठनको चाहिँ इन्गेज हुने इन्भल्भ हुने कार्य हो, त्यसमा चाहिँ सहयोग हुनेछ र प्रहरी महानिरीक्षकबाट पनि सम्पूर्ण आफ्ना सहकर्मी र महातहका सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूको साथ लिएर काम गर्न अगाडि बढ्ने कुरामा पहल हुनेछ। थापा मंगल दिन नेपाल प्रहरी के 28 प्रहरी महानिरीक्षक में नियुक्त भेल छलथि। भूकंप से क्षतिग्रस्त धरहरा के 10 मंजिला धर के ढलान के काज संपन्न भेल राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जानकारी दिलक। लॉकडाउन के कारण किस समय प्रभावित भेल पर धरहरा के काज 40% संपन्न भेल प्राधिकरण जानकारी दिलक। प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली 3 मंजिला पार्किंग दिश के काज जारी रहल से जानकारी दिलन। निर्माण स्थल भीतर रहल गोस्वारा हुला कार्यालय नेपाल राष्ट्र बैंक के टक्सार महाशाखा आ कर्मचारी संचय कोष स्थानांतरण क संचय कोष भवन के किछ भाग तोड़बाक काज जारी रहल से जानकारी देलन। हफ्ता दिन बाद धरहरा टावर निर्माण के काज फेर से शुरू हेबाक ओ बतौलन। तला चाहिँ हामी चाहिँ काम चाहिँ सुरु गर्दै थियौँ, त्यो बिचमा यो लकडाउन भएको कारणले गर्दा त्यो काम सुरु गर्न सकिने स्थिति भएन। तिन तले पार्किङको तर्फको काम चाहिँ अहिले हाम्रो अनगोइङ छ। यो चाहिँ भए पनि हामी डिस्टेन्स चाहिँ कायम राखिकन हाम्रो चाहिँ सुरक्षा मापदण्डहरू चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्डहरू अवलम्बन गरिकन त्यो काम पनि सुरु गरिरहेका छौँ र धरहराको टावर निर्माण गर्नका निम्ति हामीलाई चाहिँ रौतहटबाट र त्यस्तै गरेर उदयपुरबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ निर्माण कर्मीहरू त्यसको दक्ष निर्माण कर्मीहरू ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो र त्यसको निम्ति एकछिन ल्याउनु कसरी के गर्ने भन्ने खालको हाम्रो सिसिएमसीमा पनि त्यो विषयमा छलफल भयो र चाहिँ अहिले त्यसलाई चाहिँ ल्याउनलाई हाम्रो चाहिँ यहाँ क्याम्पमा चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले राख्ने र चाहिँ पिसिआर टेस्टिङ पनि गर्ने त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो धरहराको टावरको निर्माणको काम पनि अब सुरु गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ र हामीले त्यही खालको अनुमति पनि प्राप्त भएको छ। हिजो भर्खरै हाम्रो चाहिँ पत्र प्राप्त भएको छ र हामी छिट्टै अब चाहिँ त्यहाँबाट निर्माण कर्मीहरू लिएर आएर हामी करिब 1 हप्ता जतिको समय लाग्ला यो तयारी सबै गर्नुलाई, त्यसपछि धरहराको टावरको निर्माणको काम पनि अब हाम्रो सुरु गर्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ र अगाडि बढ्नेछ र चाहिँ अरू कामहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ अगाडि बढिरहेका छ। संसदक विकास तथा प्रविधि समिति में भेल परामर्श में गेवाली सिंह दरबार पुनर्निर्माण के काज 98% संपन्न भेल बतौलन। मुख्य प्रशासनिक भवन के पूर्व दक्षिण उत्तरी भाग में प्रबलीकरण के काज संपन्न भेल ओ बतौलन। पश्चिम भाग के प्रबलीकरण के काज 35% संपन्न भेल से ओ जानकारी दिलन। भूकंप क्षति पहुँचौने रानी पोखर के मंदिर आ सौंदर्यीकरण के बाहे के पुनर्निर्माण के काज संपन्न भेल। समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड़का पुनर्निर्माण के क्रम में रहल गुम्बा आओर सांस्कृतिक महत्व के संरचना सब व्यवस्थापन के द्रुत गति में निर्माण कार्य आगा बढ़ाव प्राधिकरण के निर्देशन दिलन। रानी पोखरी लगायतका स्थानहरूको समितिबाट संसदीय टोली एक संसदीय टोली बनाए उपयुक्त समयमा स्थल अध्ययन गर्ने पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका गुम्बाहरू र अन्य पुरातात्विक महत्त्वका संरचनाहरूको व्यवस्थापन गरी द्रुत गतिमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउन समिति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्छ। अन्तर निकाय तथा अन्तरतह समन्वय गरी अगाडि बढाइनुपर्ने पुनर्निर्माणका कार्य सम्बन्धी कागजातहरू समयभित्रै काम सम्पन्न हुने गरी टुङ्गोमा पुर्याउन व्यवस्था मिलाउन समिति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ। प्राधिकरणक म्याद पुष महीना में समाप्त होवय जा रहल अछि। भूकंप से प्रभावित संरचना सबके पुनर्निर्माण संबंधी ऐन 2072 में नेपाल सरकार आवश्यक मानला पर 1 वर्ष बढ़ाओल जा सकबाक प्रावधान अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 552,784 पहुँचल है। संक्रमित के संख्या विश्व में 1,21,97,837 पहुँचल है। संक्रमित में से 70,94,347 गोटे इलाज बाद ठीक होल। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल है। अमेरिका में अखन धरि 1,34,883 गोटे के मृत्यु भेल। ओत 31,59,514 गोटे संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 68,055 गोटे के मृत्यु भेल। बेलायत में 44,517 गोटे के मृत्यु भेल। तहिना इटली में 34,914 गोटे के जान गेल। स्पेन में 28,396, फ्रांस में 29,965 आ ईरान में 12,305 गोटे के मृत्यु भेल। चीन में 4,634 गोटे के जान गेल। तहिना का सऊदी में 2,059, यूएई में 327 आ कतार में 138 गोटे के मृत्यु भेल। एमर भारत में मृतकक संख्या 21,174 पहुँचल। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। वर्षा के कारण विभिन्न स्थान डुबान में, रवि दिन धरि वर्षा के संभावना। छोट दूरी के सार्वजनिक सवारी साधन चल देवाक मंत्री परिषदक निर्णय। भारतीय मीडिया के प्रवृत्ति पर कानूनी उपचार खोजबाक तैयारी। बृहस्पति दिन देश भर में और 108 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश 2 में 7 गोटे नया संक्रमित। जनता समाजवादी पार्टी के औपचारिक रूप में निर्वाचन आयोग से दलक मान्यता भेटल। आ सरिता गिरी सांसद पद से मुक्त, पार्टी के सिफारिश में संसद सचिवालय से पद मुक्त कैल गेल। बेस्त अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।